पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज ये अनाउंस हुए कि एशिया कप पोस्टपोन हो जाएगा इस साल, क्योंकि जो टाइमलाइन एग्जैक्ट टाइमलाइंस हैं एशिया कप की और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की इंग्लैंड के अंदर, वो बिल्कुल सेम है, उसकी वजह से ये हम पोस्टपोन कर देंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सबसे पहले एशिया कप कैंसिलेशन, मतलब पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी अब नहीं होता हुआ दिख रहा। यार एशिया कप, हाँ बिल्कुल, आज बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया कि एशिया कप कैंसिल हो सकता है। और मुझे सवेरे खबर की सबसे बड़ी खुशी बताऊं क्या, सबसे बड़ी खुशी मुझे फाइनली द सेंस वो है ना कि द कॉमन सेंस प्रीवेल, जो तमीजदार तरीकाकार होता है, जो एक पढ़े लिखों का तरीकाकार होता है, बगैर लड़े झगड़े एक तरीकाकार होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई बगैर फड्डे के कोई डिसीजन या कोई खबर पे आ जाए, वो जो तरीकाकार होता है, बड़ा सिविलाइज्ड तरीके से आज क्रिकेट बोर्ड से ये खबर निकली। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस खबर की ये है कि ऑल्दो ठीक है एशिया कप शायद ना हो पाए, वो एक अपनी जगह, उसका दुख एक अपनी जगह होगा, लेकिन ये जिस तरीके से खबर निकली है ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है। और मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो मुझे लगता है रजिस्टर हो ही जाएगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी है कि आज, क्योंकि कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नया जो शेप अप हुआ है, उसकी बड़ी कोई लंबी तवील मीटिंग चली 7-8 घंटे की, फिर आज उसके जो पॉइंट्स थे या जो डिसीजंस लिए गए थे आज वो प्रेस को बताने थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीसीबी की तरफ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाजे कर दी गई कि क्योंकि इंडिया जो है वो आपका खेलने जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ठीक है, अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जो कि अभी अगर इंडिया को लास्ट जो टेस्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, या तो वो जीतना है या वो ड्रॉ करना है, अगर तो इंडिया ड्रॉ करने में कामयाब हो जाता है या जीतने में कामयाब हो जाता है, जो कि ऑल लाइकेबल पोजीशन में चांसेस बहुत है, जिस बात के चांसेस बहुत है। अब हो ये रहा है कि सवेरा अगर तो ये हो गया, तो एज सिंपल एज दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज ये अनाउंस हुए कि एशिया कप पोस्टपोन हो जाएगा इस साल, क्योंकि जो टाइमलाइन एग्जैक्ट टाइमलाइंस हैं एशिया कप की और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की इंग्लैंड के अंदर, वो बिल्कुल सेम है, उसकी वजह से ये हम पोस्टपोन कर देंगे। ऑल्दो ये राइट श्रीलंका के पास है, लेकिन बिहाइंड द डोर या बिहाइंड द बैक डोर जो डिप्लोमेसी होती है उसके तहत आई गेस ये डिसीजन हुआ है, जस्ट इन केस अगर इंडिया नहीं होता, अगर ये 2-2 हो जाती है और इंग्लैंड आखिरी जीतने में कामयाब होके ये सीरीज को 2-2 कर लेता है, फिर इवेंचुअली जो अब वो न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, उस वक्त में एशिया कप होगा, इट वोंट बी पोस्टपोन्ड। अगर तो इंडिया फाइनल हो गया तो इट विल बी पोस्टपोन्ड। तो दिस इज द न्यूज एंड एक्चुअली खुशी की बात, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बड़े तरीकेकार और बड़े सिविलाइज मैनर के अंदर ये खबर दी गई, जो कि आई गेस इट्स अ ब्राइट गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि बड़ी जो है ना सुकून से तहम्मुल से न्यूज आई है। लड़ाई झगड़े से किसी का हासिल वसूल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी का कोई हासिल बिल्कुल बिल्कुल कोई हासिल वसूल नहीं है। और आई होप के स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ताल्लुकात बेहतर होते जाएं, और अच्छी बात है यार, बेहतर हो जाए, बस इनफ इज इनफ, अच्छा है, अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, अच्छे मुकाबले हमें देखने को मिले। बट साथ ही साथ फिर जो है एशिया कप अगर हमें नहीं होता हुआ दिखता, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो इंडिया खेलती है, जिसके बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जैक्टली वैसी सेम तो हमें अहमदाबाद में नहीं मिलेगी पिच, जिस तरह हमने अभी पिंग बॉल टेस्ट देखी, कुछ वैसी ही पिच आने वाली है, क्योंकि आज पिच की पहली तस्वीरें, अरे बबाल मच जाएगा अगर वैसी पिच नहीं सवेरा। अब मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर बिस्मिल्ला हो चुकी है, बहुत सारे क्रिकेट बहुत सारे म्यूचुअल जो कमेंटेटर्स हैं, जैसे नेथन लॉयल ने कह दिया कि कोई, अब वो जो डिबेट है ना कि जब ग्रीन पिच के ऊपर जाओ और आउट हो जाएं और फिर उसके बाद वहां शोर नहीं मचता और ये स्पिन विकेट पे शोर मचना शुरू हो गया, तो